देश में बीजेपी खत्म करनी है, नई पार्टी लानी है। हाँ। कौन सी आ सकती है नई पार्टी? सबसे मजबूत कौन लग रहे हैं? मजबूत तो जी हाथी देख लो, बस हाथी देख रहे हैं। कौन है हाथी? हाथी सुंदर भटाना। सुंदर भटाना तो हमारा बाड़क मार देन ने है? किसने? या कांग्रेस ने और या बीजेपी ने? बीजेपी ने। हाँ कभी गौशाला, कभी कुछ, कभी माता पे, कभी किसाई पे। कैंडिडेट किसी पार्टी से हो, लेकिन हमें विकास की जरूरत है। विकास, पढ़ाई लिखाई, बच्चों की शिक्षा, ये पानी वगैरह। बीजेपी राज में क्या कुछ काम हुआ है? बीजेपी के राज में काम यू हुए जी, खूब तो जातिवाद हो। चोटाला ने पहले बढ़िया काम करा, चोटाला ने बुजुर्गों की पेंशन बांध दी। क्या लग रहा है इनोला और बसपा का जो गठबंधन हुआ उसका कोई प्रभाव है? हाँ, अब देख लो तो चश्मा लग गया और चलन लो हाथी होगा, अब खूब दौड़ेंगे। क्या कुछ काम हुए हैं बीजेपी के राज में यहाँ पर? बीजेपी के काम में काम तो बतेरा हुआ। क्या क्या हुए? मतलब कोई तेरा काम करा हुआ नहीं कहीं, मतलब कैंड को तेरी मेरी लड़ाई करवा दी, जातिवाद उठा दिया। सुंदर बनाना ने ऐसा क्या किया है? अभी तो बढ़ेगा जब हित करेगा, अभी तो कुछ भी ना। तो फिर वोट क्यों कर रहे हो? अब वोट नो कर रहा, कहती कुछ कर दे और सब कुछ बढ़गा, कुछ ना करोगा ही नहीं। अच्छा, ये नया नेता बन रहा, देखो कैसे हाथी में दम है ना। 2024 का सबसे बड़ा टैलेंट रिवॉर्ड एग्जाम प्रिंस ओलंपियाड आ रहा है, क्लास 5th से लेके 12th के स्टूडेंट्स के लिए। लाखों बच्चे करेंगे रजिस्टर, कुछ आएंगे 100% स्कॉलरशिप पाने, कुछ आएंगे अपना टैलेंट दिखाने, कुछ आएंगे अपना फ्यूचर सिक्योर करने। रीजन जो भी हो, प्रिंस ओलंपियाड ही आपके सपनों को एक उड़ान देगा। तो आज ही रजिस्टर करें और USA और NASA जाने का मौका, जिस प्राइजेस और अवार्ड जीते और जुड़े प्रिंस एजुकेशन हब के साथ। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं RJ TV 24। इस वक्त RJ TV 24 की चुनावी यात्रा हरियाणा में है और हरियाणा के सोहना विधानसभा क्षेत्र में एक गांव पड़ता है तावड़ू के नजदीक मंडार का। यहां पर कुछ लोग बैठे, इनसे जानते हैं कि चुनावी माहौल क्या है। राम राम साहब, के नाम है? मुन्ना नाम है। के लाग है सोहना विधानसभा में, के माहौल है? माहौल है जी, देखो जैसी किसी के लिखी है वोट सबको मिलेंगी। अच्छा, क्या कुछ काम हुए हैं बीजेपी के राज में यहाँ पर? बीजेपी के काम में काम तो बतेरा हुआ। क्या क्या हुए? मतलब कोई तेरा काम करा हुआ नहीं कहीं, मतलब कैंड को तेरी मेरी लड़ाई करवा दी, जातिवाद उठा दिया। सबसे मोटा काम तो है जातिवाद का। अच्छा, सबसे मोटा नुक्स तो कर रही है जातिवाद। अगर जातिवाद न करे तो बीजेपी पार्टी बहुत बढ़िया पार्टी है। अच्छा, जहाँ तक है, लेकिन बस इसी से थोड़ी सी लोगों को नफरत कर दी थी, इसी से थोड़ी सी अच्छी ना लग रही, ना तो बहुत बढ़िया पार्टी बीजेपी। वैसे के लागा हरियाणा में के माहौल से? माहौल हरियाणा में ये है भाई, देखो वोट तो सबके लिए मिलेंगे। अच्छा। जिसका तेरा मेरे से दिल लगावे, मेरा तेरे से दिल लगावे, उसी तरीके से वो वोट सबके लिए मिलेंगी। सोहना विधानसभा का क्या माहौल, आपके गाँव का क्या माहौल? हमारे गाँव में तो मतलब सबको मिलेंगी वोट भाई। सबसे मजबूत कौन लग रहा है? सबसे मजबूत हमारे यहाँ मतलब ज्यादा वोट मेरे ध्यान से बराबर सी मिलेंगी सबको। बीजेपी से तो है, बीजेपी को मिलेंगे, कांग्रेस से खटाना, कांग्रेस को भी मिलेंगी, से बढ़ाना। अब हमारे भाई साहब अभी खटाना आए, इनको भी मिलेगी, बढ़ाना क्या नाम है इसका, इसको भी मिलेगी। वोट तो सबके लिए मिलेंगी, जैसे किसी का माहौल है वैसा। अच्छा, यहाँ एक तरफा माहौल नहीं है, बस ये कहने का मतलब। अच्छा, कुछ आरोप ये भी लग रहे हैं कि भारी को भी टिकट दे दिया गया है, ऐसा भी कुछ? भारी को कांग्रेस वालों से या बीजेपी वालों से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। स्थानीय का नहीं है कुछ मुद्दा? ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, आपको क्या लगता है? मैं वो पता नहीं, इनको कछु ना पता है, वो पता ना। अच्छा, वोट यहाँ भाई बैठे हैं, भाई सामने के ला गए भाई, देख वहाँ की वोट बनी, मेरी तो वोट क्या कह रहे हैं? मैं है? किसका माहौल है? सबन को माहौल है जी, सबन को। फिर भी कौन सा पता लड़ो भारी है? पढ़ ला तो जी, अभी ये की पढ़ लो आयो, अभी सुंदर बढ़ाना। अच्छा, अभी तो आई भारी। अच्छा, देखो वोट ये दादा की क्या ही वोट। राम राम दादा। राम राम जी। के लाग है इब की बार के माहौल है भाई? माहौल ये हम तो सबको देंगे, चलाल हो जाए भाई, एक बात है सबको देंगे, सबको देंगे जी, स्वागत भी सबका। हाँ, सबका स्वागत कर रहे हैं जी। अच्छा, कौन सो ठीक लगे? फिर भी कोई तो आदमी हो भाई, सभी ठीक लगा हमने तो भाई, बुरो कौन सो लगे, कोई तो ना लगे, ना कोई ना ठीक लगे कह दे ना, पेंशन तो जब भी मिल रही है। हाँ जी, आपको क्या लगता है क्या यहाँ पर किसका माहौल है? यहाँ का खटाना का है,
कटाना का कौन सी पार्टी का है? कांग्रेस कांग्रेस ये हत्ती हाथी तो आवार थे बोल रहे हाथी 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 आपको क्या लगता है? कांग्रेस बीजेपी को आदमी मत तकड़ो बीजेपी को आदमी तकड़ो ये सारा मतलब सेट कर रखे है कि भाई तन्ने यो बोलनो है मन्ने यो बोलनो है ना मैं बीजेपी को आदमी हूँ कांग्रेस सबन की बराबर है सबसे मजबूत कौन लग रहे हैं? मजबूत तो जी हाथी देख लो हाथी देख रहे कौन हाथी सुंदर बटाना सुंदर बटाना सुंदर बटाना ने ऐसा क्या किया है? अभी तो बनेगा जब हित करेगा अभी तो कुछ भी ना तो फिर वोट क्यों कर रहे हो? अब वोट नो कर रहा कहती कुछ कर दे और सब कुछ बनगा कुछ ना करोगा ही नहीं। अच्छा नया नेता बन रहा तक देखो कैसे हाथी में दम है ना। अच्छा क्या लग रहा है इनोला और बसपा का जो गठबंधन हुआ उसका कोई प्रभाव है? हाँ अब देख लो तो चश्मा लग गया और चल लो हाथी होगा अब खूब दौड़ूंगा। अच्छा कोई नहीं। अच्छा और का क्या लग रहा है जो जो और कैंडिडेट भी है हरियाणा में क्या माहौल है? हरियाणा में हरियाणा ही तो ही? नहीं पूरे हरियाणा में। अच्छा पूरा जी हम तो गांव से बाजरा काट रहे ये दादो ज्यादा डोले पर हरियाणा में भैंस भैंस खरीद तो। अच्छा भैंस खरीद। अच्छा क्या लगता है बीजेपी राज में क्या कुछ काम हुआ है? बीजेपी का राज में काम यू हुई है जी खूब तो जातिवाद हो खूब या में गलती वे प्रभाव पड़ा है ऐसे कोई काम वाम तो हमने देखो ना कच्चो ना कोई काम तो ना दे। अभी हुड्डा हुड्डा का ज्यादा प्रभाव देखा जा रहा है कांग्रेस में भी क्या लगता है कौन हो? हाँ जी 50 तो हमारा बालक मार दे इनने है? किसने? या कांग्रेस ने और या बीजेपी ने? बीजेपी ने। हाँ बैठ देखो गौशाला कदी कुछ कदी माता पे कदी किसाई पे इगला कुछ ना करे कुछ ना कांग्रेस 9 साल कांग्रेस मुख्यमंत्री रहो है? खट्टर 9 साल मुख्यमंत्री रहे तो वन कहा करो बता कहा करो फिर नायब सिंह सैनी ने बना दियो नायब सिंह सैनी ने वो अभी कोई जाने ही ना बाढ़ की ना जाने वा। अच्छा चलो कोई नहीं। नमस्कार सर। नमस्कार क्या नाम है? हकीम अजमेर नाम। क्या लगा है भाई के माहौल है इसके बार सोहाना विधानसभा? माहौल तो जी सही है जी विशेष आज माहौल पब्लिक उसी का बनाते जो विकास यहाँ विकास ना आज विकास कमी मेवाद में न कोई स्कूल की सुविधा है न कोई कॉलेज की न यूनिवर्सिटी की सब मोटी समस्या यूनिवर्सिटी की। 10 साल तक कांग्रेस बीजेपी का राज रहा है खट्टर यहाँ से मुख्यमंत्री रहे हैं क्या लगता है कुछ काम हुआ है? नहीं काम तो वैसे ऐसे हुए जिरले मिल कुछ काम हुए कुछ ना हुए वैसे ऐसे ही काम ज्यादा के राज में कितना काम हुआ? हुड्डा के राज में भी ऐसे काम हुआ कोई सी सरकार ने बड़े काम ना कर तो कौन करवा सकता है क्या लगता है कौन करवा सकता है? ऐसा जी जो सरकार ये है जी जो एमएलए आ रहे हैं ना यहाँ कुछ जो बड़े एमएलए जो पब्लिक चाहेगी जो मान लीजिए एमएलए विकास चाहेगा यहाँ उसकी वोट मिलेगी उसी की वोट देगी मान लो विकास के नाम कौन सा आदमी करवा सकता है? बीजेपी से करवा सकता है कांग्रेस से करवा सकता है या बसपा से करवा सकता है? कैंडिडेट किसी पार्टी से हो लेकिन हमें विकास की जरूरत है विकास पढ़ाई लिखाई बच्चों की शिक्षा ये पानी वगैरह की है। ऐसा कौन सा आदमी है जो आपने देखे हैं सबको? नहीं जी तो जब ही पता लगेगा जी अभी तो देखा किसी को नहीं। आपको क्या लगता है भाई साहब यहाँ क्या हो सकता है? हमारे यहाँ काम बड़े होने चाहिए तो कौन करवा सकता है भाई? आने नई पार्टी हो देश में बीजेपी खत्म करनी है नई पार्टी लानी है। हाँ कौन सी आ सकती है नई पार्टी भाई? जो कांग्रेस आए जर रोहतास खटाना रोहतास चौहाना चौ बढ़िया पार्टी आए। अच्छा हाँ कांग्रेस था? हाँ। अच्छा क्या लगता है कांग्रेस आएगी तो क्या करवा देंगे? अरे हमारे यहाँ शिक्षा ज्ञान सब कुछ आना चाहिए यहाँ पे हमारे बच्चे बिगड़ रोजगार ढूंढ रहे हैं आज हमें बात में हाँ कोई धंधा नहीं है बीजेपी खत्म करनी है बीजेपी भगानी है 10 साल राज करा अब तक कुछ ना हुआ हरियाणा में बीजेपी ने। क्या कह रहे हो? मैं अच्छा एक चीज़ और बताओ कि जहाँ खट्टर ने 10 साल तक यहाँ मुख्यमंत्री रहे क्या कुछ काम है? काम वाम तो खट्टर ने करा पर कम काम हुए गांव में सारे घर घड़े कच्चे हैं हाँ पक्का काम ना हुए सारे। अच्छा एक ये गठबंधन हो रखा है इनोला और बसपा का इसका कोई प्रभाव है? भाई भाई देखो तो क्या अभी देख लेंगे 5 साल व्रत के चौटाला का भी यहाँ पे काफ़ी राज रहा है पहले चौटाला ने पहले बढ़िया काम करा चौटाला ने बुजुर्गों की पेंशन बांध दिया ने। अच्छा 6,000 का वादा कर रखा खट्टर ने हुड्डा ने सेम ने 6,000 सुनाई कौन सो कटाना बटाना जीते को बटाना बार तो कटाना बता रहे हो नहीं बटाना जीते को कौन सो बटाना गठबंधन सरकार जाकी
अच्छा क्या नाम है अभी वो सुंदर भटाना सुंदर भटाना हाँ। अच्छा क्या करवा देगा वो वह सब कुछ करवाएगा क्या करवाएगा तो अरे जो भी बात सारा काम करवाएगा अच्छा हाँ। और क्या हो सकता है यहाँ पे क्या क्या समस्याएं देखने को मिलती है यहाँ सारी समस्या सब पूरी करवाएगा अच्छा चलो कोई बात ना अब ये देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ के लोग क्या चाहते हैं ये तो आने वाले समय में पता चलेगा लेकिन आप हमारी चुनावी यात्रा को देखना ना भूलिएगा फिर मिलते किसी नए वीडियो में तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत नमस्कार राम राम।